الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وهب العربيه كتاب التلميذ ليفل 1 ان شاء الله today we are going to do chapter 18 درس 18 السيرك من سيركس سيركس کو کہتے ہیں اگے یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں سامشي على الحبل going to walk on the rope समशी सीन इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग अभी बस करने लगे हैं इन अ सेकेंड और अ मिनट हम कर लेंगे अमशी मैं चलने लगा हूँ मैं अभी रस्सी के ऊपर चलने लगा हूँ हबल कहते हैं रोप को या रस्सी को ये जस्टर या क्लाउन आप कह सकते हैं ये कह रहे हैं ये यह देखिए यहाँ पे रोप के ऊपर आगे क्या कहा जा रहा है हाज़ल कल्बो यक फिज़ो व हाज़ल करदो यरकबूद द हाजल कल्ब कहा जा रहा है दिस डॉग यक फिजु दिस डॉग डॉग इज़ जम्पिंग इन द फायर व हाजल दू एंड दिस मंकी इज़ राइडिंग द साइकिल और बाईसाइकिल तो यानी ये कुत्ता हाजल कल हाजर दिस के तौर पर आता है यानी ये, ये यक फिजू जम्प कर रहा है आग के अंदर छलांग लगा रहा है आग में से आग में व हाजल ख़िर दू और ये जो बंदर है यरकबू दरवाजा साइकिल पर सवार है ये सवारी कर रहा है और कहाँ है ये बंदर जो दिखाया जा रहा है ये नीचे यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं उन झूरी इलल बिंद अब ये क्या कह रही है उन झूरी इलल बिंद लुक एट द गर्ल लड़की की तरफ देखो ये इनसे कह रही है बिंद से कह रहे हैं है कि जो लड़के हैं ये कह रहे हैं लड़की से कि आप देखो उस बिंद की तरफ उन लुक देखें इल अल ही गर्ल की तरफ लड़की की तरफ यह तकीफो अल्हसान शी स्टैंडिंग ऑन द हॉर्स ये देखें घोड़े पे खड़ी हुई हैं तो वो कह रही हैं कि वो घोड़े पे तकीफ़ू कहा जाता है क्योंकि गर्ल का जिक्र हो रहा है इल बिंद का जिक्र हो रहा है बिंद की तरफ देखें लड़की की तरफ देखें इस वजह से ता का इस्तेमाल किया गया है ये देखें यहाँ पर जो ता लिखा हुआ है तकीफ़ो बिंद की वजह से है अल्हसानी यानी घोड़े पे हॉर्स पे नेक्स्ट कह रहे हैं ऊन जोर अब ये गर्ल इस बॉय से मुखातिब हैं जो ये हैं ये इस बॉय से कह रही हैं इसी वजह से क्या कह रही हैं जो अगर लच सपोज ये गर्ल से मुखातिब होते तो कहते हैं जोरी तो ये कह रहे उन जोर अन निमरू नमिरू यौकल फौकल कभी राति लुक निमर कहते हैं नमिर कहते हैं चीता को द चीता इज़ सिटिंग ऑन द बिग बॉल के जो चीता है वो किस पे बैठा हुआ है और स्टैंडिंग आप कह सकते हैं स्टैंडिंग कि वो एक बड़ी सी बॉल के ऊपर बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है फम कहते हैं ऊपर की तरफ हुआ यम्शी बिल्कुल रा ही इज़ वॉकिंग विद द बॉल और थ्रू द बॉल कि वो उस बॉल के थ्रू जो चल रहा है बिल्कुल रा विद द बॉल आगे यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं अव्वल यजलिस फिलई मतिल कबीराती सेटिंग अब ये यजलिसु जो ये, ये यूज़ करे टेंस यूज करें टेंस में क्या बता रहे हैं द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ बिग टेंट जो बच्चे हैं अतफ़ाल हैं वो बैठे हुए हैं फिलयत कबीराती बड़े से टेंट में बड़े से ख़ैमे में फी कहा जाता है इनके अंदर ख़ी कबीरा बड़ा टेंट आसानी यमशिल अल हबली महर्रज कहते हैं क्लाउन को जस्टर को तो उनका बता रहे हैं यमशी द जस्टर और क्लाउन इज और जोकर आप कह सकते हैं द जोकर इज़ यमशी वॉकिंग ऑन द रोप कि वो जो है रस्सी के ऊपर चल रहा है सालिस् थर्ड वन इज़ फिजुल कल फिनारी द डॉग इज़ जम्पिंग इन द फायर यानी जो कुत्ता है ये डॉग है वो जंप कर रहा है आग में से फोर्थ वन यर कबुल कर दु राजा यर कबुल कर राजा था यानी द मंकी इज़ राइडिंग द बाइसिकल और साइकिल जो वो है जो बंदर है वो साइकिल पे सवार कर रहा है सवारी कर रहा है हामिद रेड में है यमशिल नमिरू बिल्कुल रातिल कभी रा चीता इज़ वॉकिंग विद द और ऑन द बिग बॉल जो चीता है वो चल रहा है उस बड़ी सी गेंद के थ्रू या उसके साथ या उसके ऊपर अगर सादिश सिक्स ऑनर्स तकेफुल बिन्थ अल्हसानी द गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द हॉर्स की जो लड़की है वो खड़ी हुई है ता मैंने बताया था बिथ के साथ ताल यूज होगा नमर देखें इधर आप नोट करें एक चीज़ को तो जो बिंथ है वो है फेमेनाइन है दैट्स वे देव यूज ता इन हेयर इन्होंने ता का इस्तेमाल किया है नमेर जो है वो मेस्कोलाइन है एक आप कर ले मेल तो इस वजह से इन्होंने या का इस्तेमाल किया है यहाँ पर यमशी कर्ज यहाँ पर आप देखें कर्ज भी क्या है मेस्कोलाइन है तो इस वजह से या का यहाँ पर इस्तेमाल जब भी मेस्कोलाइन यूज़ होगा तो उसके साथ या इस्तेमाल होगा जब टेंस यूज़ होगा यानी ही इज़ क्लाइंबिंग ही इज़ वॉकिंग एंड ही इज़ स्टैंडिंग जो भी आप लिखें उस टाइम आप या का इस्तेमाल करेंगे और अगर गर्ल के लिए इस्तेमाल होगा तो ऑब्वियसली बात है वो ता के अंदर चेंज हो जाएगा तरकबुल बिंदु तमशिल बिंदु आप कर सकते हैं जैसा तकेफुल बिंदु यहाँ पे यूज़ हुआ है नेक्स्ट है सेवन वन यज़ हकुल मिनल महर्रजी महर्रजी कि लाफिंगू कहा जाता है हंसने को जो बच्चे हैं वो हंस रहे हैं ऑन द जोकर और क्लाउन कि वो जो क्लाउन है उसके ऊपर बच्चे हंस रहे हैं उनके जो वो दिखा रहे हैं अपने सारे सर्कस में आए हुए और वो देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ उनके जो खेल खेल रहे हैं और उसको देख के हंस रहे हैं यस यजहू हसानी उदरस वो वर्ड्स हैं असीरक सीरक मीन्स सर्कस दर्रवाजा दरवाजा मीन्स बाईसाइकिल और साइकिल दर्राजत अन नरू और सिंपल नमेर टाइगर और चीता जोकर, जस्टर या आप क्लाउन कुछ भी कह सकते हैं अलकलबू कलबू मीनस डॉग खैमतु खी मत मीनस टेंट अतमरीनो सालिस थर्ड एक्सरसाइज इस्तेमाल यू हैव टू यूज इट अब आपको कैसे इसको यूज करना है यहां पर इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। हिया तकीफ यकीफ़ू इन चीज़ों का थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताया हुआ जो आप लोगों ने देखना है फर्स्ट ये देखें इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो आप लोग को ध्यान में रखनी है फर्स्ट है हुआ और हिया का डिफरेंस। हुआ हिया, ओनजूर ऊन हुआ और जो है जस्ट वेट, हुआ मैं यहाँ लिख देती हूँ इस तरह तो जो हुआ है वो इस्तेमाल होता है मेस्कोलाइन के लिए इसी तरह ऊन भी ही के लिए और शी के लिए हुआ ही या शी और ही ऊनजुर लुक हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं लुक एट दिस है ना इस तरह करके ऊन है ना तो हम किसी मेस्कोलाइन को मुखातिब करेंगे तो कहेंगे ऊन जो और किसी फेमिनाइन को करेंगे तो कहेंगे ऊनजूरी लुक यानी ऑर्डर कर रहे हैं यानी हम किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं किसी को कह रहे हैं तो हम उनसे क्या कहेंगे लुक और और ऊनजूरी और यकीफो और तकीफो का मैंने आपको पहले बताते हैं यकीफो जो यूज़ होगा या का इस्तेमाल होगा वो होता है मैस्कोलाइन के लिए और तकीफो इस्तेमाल होगा फेमे के लिए अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं उन जोर एल कल भी लुक एट द डॉग अब वो गर्ल कह रही है बॉय से लुक एट द डॉग डॉग की तरफ देखो हुआ यक फिजो फिनारी ही इज़ जम्पिंग इन द फायर कहते उस डॉग को देखो कि वो जंप कर रहा है हुआ अब ये डॉग के लिए हुआ इस्तेमाल करें ही इज जंपिंग और इट इज़ जंपिंग वट है यू वॉन्ट टू यूज़ इट आपने यूज करना ही यूज़ करना, है, करना है। तो वो कह रहे हैं उसमें से आग में से छलांग लगा रहा है नेक्स्ट अब क्या कह रहे हैं उन झुर एलल बिंद अब दो यहाँ पे बॉयज बनाए हुए हैं इन्होंने ये अब ये दोनों क्या देख रहे हैं इधर गर्ल की तरफ देख रहे हैं और अपने फ्रेंड को क्या कह रहे हैं ऊन जुर लुक एट द गर्ल उस लड़की को देखें अब वो क्या कह रही है शी स्टैंडिंग ऑन द हॉर्स तो ही तक वो ही क्योंकि शी इज़ स्टैंडिंग वो लड़की खड़ी हुई है इससे ता इस्तेमाल हुआ है तकीफ़ु अल अलहसानी वो घोड़े पे खड़ी हुई है इससे नेक्स्ट है ऊन जूरी अब यहाँ पे आपने खुद इसको सॉल्व करना है अब क्या है ऊन जूरी लुक एट द अब वो गर्ल को मुखाते वो, वो के बॉय क्या कह रहे हैं ऊन जूरी अब आप देखें इल अल मुहर्रज बिल्कुल ठीक लिखा है मैं दोबारा लिख देती हूँ मुहर्रज लुक द क्लांग लुक द जोकर जेस्टर जो भी आप कहना चाहें अब मुहर्रज है मुहर्रज जो है यहाँ पे मैस्कुलन यूज़ हुआ है मोजकर यूज़ हुआ है तो इस वजह से हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे हुआ अब वो हुआ यमशी अल हबल कि ही इज़ वॉकिंग ऑन द रोप वो जो है रस्सी के ऊपर चल रहा है तो यमशी से आप ध्यान रख के उसको हुआ कर देंगे कि वो उसके बारे में बता रहे हैं ना हुआ यमशी अल हबली बिल्कुल ठीक यहाँ पर लिखा हुआ है अल बालाम हबली हबली ये प्रपोजिशन है अला इला तो जब प्रपोजिशन आती है उसके बाद हमेशा हम ज़ेर लगाते हैं अल हबली इल मुहर्रजी इला भी प्रपोजिशन है तो मुहर्रजी आएगा नेक्स्ट मंकी है तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं उन जुर कर्दी अब गर्ल्ड बॉय से मुहाते के कह रही है केन इल एल कर्दी मैं आपको लिख के बताती हूँ एलल कैदमंग की उस बंदर की तरफ देखो हुआ अब किरद है ना तो किर्द के लिए ऑब्वियस बात है हुआ का इस्तेमाल होगा हुआ यजलिसु ही सिटिंग ऑन द बॉक्स यजलिस संदूक ही सिटिंग ऑन द बॉक्स वो एक संदूक के ऊपर बैठा हुआ है एक बॉक्स पर बैठा हुआ है हुआ की वजह से हमने यजलिस का इस्तेमाल किया है नहीं तो ता का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट वन इज़ ऊन जुर एलल बत्ताती अब दोनों बॉयज़ हैं इस वजह से उन जुड़ ऑबियस बात यूज़ होगा उन जो इलल बत्ताती लुक एट द डक की तरफ देखो बत्तख की तरफ देखो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है अलिफ नून सो और रा बत्ताती अब बत्ता है तामदवरा इट मीनस कि ये एक फेमिनाइन है तो है इस वजह से हमने ही का इस्तेमाल किया हिया तस बहु ता देखिए फ़ौर उन्होंने इस्तेमाल किया हिया तस बहू फिल शी इज स्विमिंग इन द वॉटर कि वो पानी में तैर रही है ही तस्बाह फिल्म लास्ट वन इज स्नै दिखाया वो दोनों गर्ल्ड हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ऊन जूरी इस्तेमाल होगा ऊन जूरी एल बानी लुक एट द स्नैक सांप को देखो सांप को अरबिक में कहा जाता है सोअबान ऊपर मेरा डॉट नहीं हुआ तो मैंने नीचे लगा दिया उन जोरी इलाबानी हुआ यह अल ही आरोक्रॉलिंग ऑन द फ्लोर और ग्राउंड अल ग्राउंडी इस तरह अल आर्जी आएगा वो जमीन के ऊपर रिंग रहा है ये देखिए यहाँ पे सौबान है स्नेक है सौबान और स्नेक मिलते जुलते से हैं नेक्स्ट वन है सहल रॉबे यानी फोर्थ इसकी एक्सरसाइज है तमरीन और रॉबे आयेदवा दुब अब यहाँ पे बता रहे हैं दुब जिदार ऊद अब दाल को कैसे इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड के अंदर लिखते हुए तो वो उसका बता रहे हैं तीनों इसके तरीके बता रहे हैं दुब दाल फर्स्ट अल्फाबेट है जिदार में मिड के अंदर यूज़ हुआ है और ऊद के अंदर लास्ट के अंदर यूज़ हुआ है दुब मीन्स बेह जिदा मीन्स वॉल और अद मीन्स गिटार और दाल के अंदर इस तरह करके देखा जाता है तो आप नीचे उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं आफ्टर दैट नून नून इस्तेमाल हुआ है एक्चुअल में इन लोग को यहाँ पर नमिर चीता या आप कह सकते हैं टाइगर बनाना चाहिए था लेकिन इन्होंने चीता नहीं बनाया इन्होंने कैट बना दिए तो यहाँ पर है नमिर नून फर्श अल्फाबेट एक वर्ड में कैसे यूज़ करते हैं सुंदूक मीन्स बॉक्स और फिनजान मीन्स कप ये प्याली तो कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो बता दिया नेक्स्ट के अंदर काफ अब काफ के अंदर कलबुन कलबुन मीन्स डॉग तो काफ वर्स कैसा अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है का का मिड के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है यानी केक शुभबाग विंडो यानी खिड़की काफ एंड के ऊपर कैसे इस्तेमाल किया जाता है काफ यहाँ पर लिखा हुआ है अब नेक्स्ट के अंदर इसके अंदर हरूफ शमसिया वाल हरूफ हरूफुल्कमरिया का डिफरेंस बताया गया है हरूफ शमसिया और कमरिया जो होते हैं उसका एक रूल होता है मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ अरबिक के अंदर जब भी हरूफ शमसिया इस्तेमाल किए जाएंगे तो अलिफ़ लाम प्लस शीन तो हम लोग उसको पढ़ते हुए प्रोनाउंसिएशन हमारी आएगी अशम्सू हम लाम को इधर कट करके हम डायरेक्ट अलिफ़ को हम मिला देंगे शीन के साथ यानी अशम्सू अल शम्सु नहीं होगा अशमसु को तो अब नेक्स्ट क्या है, हैफ़ कमरिया के अंदर होता है कि हम लोग को भी साथ में मिलाते हैं कैसे कमरिया सब कुछ पढ़ा गया अलेफ लाम का हमने किसी को भी इसके अंदर हाइड नहीं किया कमरिया यानी अलिफ भी पढ़ा गया लाम भी पढ़ा गया काफ़ भी पढ़ा गया तो इसी तरह यहाँ पे कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दिए हम लोगों को तो फर्स्ट है अल अलसफूरू ये हरूफ़ कमरियाँ हैं जिसमें हम सारे अल्फाबेट्स पढ़ेंगे अलिफ लाम आइयन और उसके बाद सारे अलसफूर मीन्स गज़ालु मीन्स डियर हिरन अल फिंजानु मीन्स कप या प्याली अल्कतू मीन्स कैट या बिल्ली अल कलबू मीन्स डॉग आगे नीचे इन्होंने हरूफ शमसिया लिखे हुए हैं कि हमने अलिफ को डायरेक्ट दाल के साथ मिलाना है ऊपर तशदीद दी हुई है अल दीकुनी अदीकु अदीकु मीन्स रूस्टर या मुर्गा अल लबनु मीन्स दूध मिल्क अशुब्बा को मीन्स विंडो या खिड़की असुंदूकू मीन्स बॉक्स या डब्बा ई मीन्स फ्लूट या लूट आप कह सकते हैं तो इसके अंदर स्वाद नून शीन लाम जब भी अरबिक के अंदर कुरान पाक पढ़ते हुए वैसे नॉर्मली आएंगे तो आपको अलिफ लाम को लाम को आपने नहीं पढ़ना डायरेक्ट अलिफ को आपने मिला देना है नेक्स्ट वर्ड से अल्फाबेट से नेक्स्ट खामिस फिफ्थ एक्सरसाइज है व तकल्लम लुक एंड से और स्पीक अब यहाँ पर इन्होंने क्या चीज़ें यूज़ की हैं थोड़ी सी हमें ध्यान रखना है माजा कहते हैं वॉट वाट आर यू डूइंग माजा माजा तफालीन अलीन माजा आप क्या कर रही हैं माजा तफ़ालीन और अगर हम पूछें माजा सा तफफ़ आलीन यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट सीन लगा के एक सिंपल सा वर्ड है माजा तफ अलिन ये एक फैमिनाइन के लिए यूज़ होगा जो आपके सामने है और आप उनसे मुखातिब होकर बात करिए माज तफालीन आलिनीन आर यू डूइंग ठीक है और अगर हम लोग कहें कि आप थोड़े देर बाद क्या करेंगे व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट और व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ तो उसके लिए हम सीन का लग वो लगा देंगे अल्फ़ाबेट लगा देंगे माजा सा और हम मेस्कुल के लिए मुजक्र के लिए क्या बोल देंगे उसको माजा तफअल सिंपल सा वट आर यू डूइंग और हम अगर पूछा जाए व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाओ और चंद सेकेंड्स बाद तो हम सीन लगा के क्या आग बोल देंगे माजा सतफ़ अल वाट यू आर गोइंग टू डू और वट यू विल डू तो माजा सतफ अल इसमें ये चीज़ ज़्यादा यूज़ हुई है इस पूरे में तो हम इसको देखते हैं और वो जब आंसर करेंगे तो आंसर के अंदर वो अफअल की जगह तफ अल हम पूछे थे ना तफअल तो तफअल की जगह वो कह देंगे अफअल अरबिक में जो अल्फ़ लगाया जाता है हमज़ा लगाया जाता है इसका मतलब होता है आई एम गोइंग टू डू दिस मैं ये करने लगाऊँ हमजा जब भी हमजा किसी वर्ड के साथ यूज़ होगी किसी वर्ब के साथ यूज़ होगी अफअल अजहब या आकुल अजलिस मीन्स कि आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू सेट आई एम सेटिंग कुछ भी इस तरह करके तो अब एक्सरसाइज देखते हैं क्या है माजा सतफ़ अलाज सतफ़ अल सॉरी तो होगा वट यू आर गोइंग टू डू पूछा जा रहा है तो वो जैसे ये जोकर आगे क्या कह रहे हैं समशी अल हबली आई एम गोइंग टू वॉक ऑन द रोप कि आप अब क्या करने लगे हो तो वो कह रहे हैं मैं अब रस्सी के ऊपर चलने लगा हूँ या अभी चलूँगा अनकरीब नेक्स्ट है माजा स्तफ़ अलीन यहाँ पे हम लोग एक खाते हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक फेमी से एक लड़की से एक मुन्नत से तो इस वजह से लिखा जा रहा है स्तफ़ अलीन या नून का एडिशन जब वर्ड वर्ब के साथ किया जाएगा तफअल के अंदर देखें फ लिखा हुआ था सिंपल उसके साथ आपने ऐड कर दिया या नून तो वो एक गर्ल के लिए हो गया माजा तफ़ालीना माजा तअक माजा और कर सकते हैं ली माजा लिमाजा तनामीना ली माज़ा लिमाजा वो लग जाएगा तो अब यहाँ पे क्या माजा सा तफ़ अलीना वॉट यू आर गोइंग टू डू ठीक है ओ गर्ल आप कह सकते हैं या बिन तो नीचे क्या कह रही है स आजीफ़ू अलल उदी आई एम गोइंग टू प्ले द गिटार के मैं गिटार बजाने लगी हूँ या उसे प्ले करने लगी हूँ जैसे भी आप उसे कह सकते हैं स आज़ीफू सीन मीन्स के आई एम गोइंग टू डू मैं करने लगी हूँ आज़ीफ़ू मीन्स आय हमजा और आए दोनों सेम सेम है आगे अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा ये क्या आप बोले माजा अब उनसे क्वेश्चन हो रहा है क्योंकि मेल हैं ंग टू से माजा सतफ अल माजा सीन ताइन लम माजा सतफ अल वट यू आर गोइंग टू डू तो आगे वो क्या करेंगे आंसर स अस अद अल्लमी आई एम गोइंग टू क्लाइंब ऑन दिन मैं सीढ़ियों पे चढ़ने लगाऊ अल्लमी आला सुल्लमी अला प्रपोजिशन है इस वजह से सुल्लम के नीचे मीम में के नीचे जेड़ लग सुल्लमी आई एम गोइंग टू क्लाइम द लेडर कह सकते हैं कि मैं उसके ऊपर चढ़ने लगाऊँ आगे है माजा स्तफ़ क्योंकि एक बेंथ है गर्ल है और शी इज गोइंग टू से माजा सा -ता -फा लाम यान मजा सतफ़ अलीन अब जगह नहीं है इस वजह से मैं इसको क्वेश्चन मार्क नहीं डाल रही माजा सतफ़ अलीन तो आंसर क्या होगा सज ये नीचे लिखा हुआ है पहले इन्होंने सजलेसु अब बैठे कहाँ लगी अलल कुर्सी अला कुर्सी जी या के नीचे जेर अलल कुर्सी जी आई एम गोइंग टू सिट ऑन द चेयर मैं कुर्सी के ऊपर बैठने लगी हूँ नेक्स्ट वन इज पूछा जा रहा है माजा साल सफाल वट यू आर गोइंग टू डू तो अभी आर्मी ऑफिसर ये क्या बताएंगे आई एम गोइंग टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड और फ्लोर सफू अलल और सारी जगह यहाँ पे अलग का यूज किया है इन्होंने प्रपोजिशन यूज किया है रोजी आई एम गोइंग टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड और फ्लोर मैं जमीन के ऊपर रेंगने लगा हूं नेक्स्ट वनर्स पेंथ है तो इस वजह से हम लिखेंगे माजा सतफ अ तफ आली ना सतफ अलीना वॉट आर गोइंग टू डू तो आगे क्या कहेंगी सरसुम अलसबूरा थी आई एम गोइंग टू राइट और ड्रा ऑन द बोर्ड अलूरा कि मैं बोर्ड के ऊपर लिखने लगी हूँ और कुछ ड्रॉ करने लगी हूँ अरसुम मीन्स के किसी चीज़ को रस्म करना ड्रॉ करना स सुमो आई एम गोइंग टू ड्रा असबूरा यानी बोर्ड के ऊपर नेक्स्ट है तमरीन और सादि मीन्स के सिक्स एक्सरसाइज उकतुब लिखें ऊन जोसूर होती है लुक एट द पिक्चर सो मकतुब कली तहता एंड आफ्टर दैट राइट द वर्ड अंडर इट यानी आप पहले पिक्चर को देखें उसके बाद उस वर्ड को उस पिक्चर के नीचे लिख दें जिससे वो मैच करता है जैसा फर्स्ट वन इज़ बैतुन बैतुन कहते हैं घर को होम कारूब यानी बोट को कहा जाता है स्प्रिंग बॉटल जो होती है आगे हिसान हॉर्स तो टेबल नारुन आग और फर्स्ट वन जो पिक्चर है वो है तोवेला तुन बिल्कुल ठीक लिखा है तो तुन मीन्स टेबल बैत अल बैदू औ बैतुन यानी होम बैतुन नेक्स्ट वन इज बिल्कुल ठीक लिखा है नेक्स्ट वन इस नारुन नारुन मींस आग

इसके साथ ये यह चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है अगर आपको इसमें कुछ ना समझ आया तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं इस वीडियो को अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़ मा सलामा